हज़ार से 1500 रुपए किलो मिलने वाली मिठाई आज मैं लेके आई हूँ, सिर्फ 20 रुपए में बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारी ये मिठाई बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जो लोग नए हैं वो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा। और ये इतनी दानेदार मिठाई बन के तैयार होगी, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, बिना गैस चलाए। चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हमने आधी कटोरी ही सिर्फ पिसी चीनी डाली है। हमने कोई मिक्सी का यूज़ नहीं किया है, आप बाज़ार से पिसी चीनी का यूज कर सकते हैं। अगर आप पिसी चीनी ना हो तो घर में भी आप आधी कटोरी मिक्सी में डाल के चीनी को पीस सकते हैं। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने इसको खूब अच्छे से फोक की हेल्प से फेंट लेना है और इसमें दो इलायची के दाने डाल देने हैं। फ्रेंड्स, ये मिठाई इतनी अच्छी बन के तैयार होगी, हमें घुल जाने वाली मिठाई, एकदम परफेक्ट तैयार होगी, बिल्कुल सही मेजरमेंट। और फ्रेंड, इस तरीके से बस 2-3 मिनट इसको चलाना है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से ये वाइट वाइट देखिए फ्रेंड हो गई है, ये देखिए बिल्कुल क्रीम जैसी हो गई है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी, बिल्कुल चुटकी भर ही डालनी है फ्रेंड। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर लगेगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसमें हल्दी का यूज किया। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है और इसकी स्मूथनेस देखिए, स्मूथनेस तो इतनी अच्छी है, देखिए बिल्कुल क्रीम जैसे बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से बस इसकी मलाई को कर लेना है। फ्रेंड, अब ये देखिए फ्रेंड, ये सत्तू है, इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड, ये एक कटोरी सत्तू है, आधा कटोरी हमारी चीनी थी। इस तरीके से हमने सत्तू को इसमें डाल दिया और ये इतनी अच्छी मुंह में घुल जाने वाली एकदम परफेक्ट मिठाई बन के तैयार होगी फ्रेंड, कि ये कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि बिना गैस जलाए और सत्तू से इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार हो सकती है। फ्रेंड, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये बनाया है। फ्रेंड, आपको अगर इसमें थोड़ा सा ये ड्राई ज़्यादा लग रहा हो फ्रेंड्स, क्योंकि मलाई हमारी थोड़ी कम पड़ गई थी, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आपका हो जाए तो आप इसमें सिर्फ 1 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, बिल्कुल सिर्फ 1 चम्मच ही दूध हमें डालना है। आप इस तरीके से इसको मिला दीजिए और ये बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, बिल्कुल परफेक्ट ये बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में फ्रेंड। चलिए हम इसको देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके का ये बॉक्स लिया है, आप कोई भी मोड़ ले सकते हैं या प्लेट में भी इस तरीके से आपको आप सेट होने के लिए रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इस बॉक्स में इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि आपने ट्रे में या कोई प्लेट में क्यों नहीं इसको सेट किया, ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैंने इस बॉक्स में इसको इस तरह से क्यों सेट करके किया है। फ्रेंड ये देखिए, हमारी कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सेट होकर तैयार हो गई है। अभी इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने फ्रिज में लगा दिया था ताकि ये जल्दी से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाहर भी इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, पर गर्मी ज़्यादा है तो जो मलाई थी वो फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाएगी। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से ये देखिए हो गई है, तो इसको डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आखिर इस बॉक्स में इसको इस तरीके से क्यों सेट होने के लिए रखा। आप इस तरीके से डिज़ाइन कोई भी सांचे और हाथ से बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। इस तरीके से जो इसमें नीचे डिज़ाइन बनी होती है बॉक्स में, और वो इसमें आ गई है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फ्रेंड, आपसे कोई पूछेगा कि आपने ये आखिर डिज़ाइन कैसे बनाई, और आप ये कोई सांचे से नहीं बन सकती थी ना ही हाथ से, इसको बहुत ही आसानी से हमें काटना है इस हिसाब से कि ये जो साइड की डिज़ाइन है बिल्कुल हमारी ख़राब ना हो। और देखिए फ्रेंड, हमने स्क्वायर पीस ही इसको काटा है क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको शेप दिया है। आप अगर इस तरीके से मोल्ड में नहीं अगर आप सेट करते हैं अगर प्लेट में, तो आप अपने हिसाब से पीसेस को किसी भी डिज़ाइन से कट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, हम इसको एक प्लेट में
रख लेते हैं। और फिर आप इसमें अगर अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल हैं। मैंने इनकी सजावट के लिए इस पे एक एक बादाम का टुकड़ा रखा है फ्रेंड, ये देखिए एक एक बादाम के दो पीस कर लिए, तो इस तरीके से ये हमारे एक बादाम के दो पीस हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने इनकी सजावट कर दी है और देखने में फ्रेंड इतनी सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं जो 1000 रुपये किलो वाली मिठाई है ये फ्रेंड, ये 1000 से 1500 रुपये किलो मिलती है। और इस पे एक बादाम का टुकड़ा रख दिया है और इनमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये केसर पिस्ता वाली फ्रेंड मिठाई है और ये हमारी हल्दी से बन के तैयार हुई है और कोई भी पहचान नहीं पाएगा। खाने में भी बिल्कुल टेस्ट केसर पिस्ता वाला तो फ्रेंड नहीं आएगा क्योंकि उसका अपना एक अलग फ्लेवर होता है, पर हाँ ये भी मिठाई इसकी टक्कर में ज़रूर होगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये देखिए बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली दानेदार मिठाई बन के तैयार हुई है। बिल्कुल आटा जैसा नहीं लगेगा कि कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये मिठाई सत्तू से बनाई। एक बार फ्रेंड ज़रूर आप ट्राई करिएगा, हमारे कहने से एक बार ज़रूर इस मिठाई को बनाइएगा। और देख सकते हैं ये चम्मच मिठाई कितनी शाइन कर रही है, कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें घी का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मलाई को फेंट के अच्छी तरीके से हमने इसका यूज़ किया है। आप इस तरीके से हमारे मेथड से जब बनाएंगे तो कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि आपने ये बिना गैस जलाए बिना घी के घर में बना के तैयार किए। देखिए फ्रेंड कोई डिफरेंसेस नहीं है, राधे राधे।